स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं खरगोन की खबरों की ओर। खरगोन जिले के भीकनगांव तहसील ग्राम खेरदा के आसिफ खान पिता शरीफ पर ग्राम खेरदा के उप सरपंच अमरा सिंह, उसके दोनों पुत्रों एवं गांव के कुछ बदमाशों ने आसिफ खान को उसके घर लौटते वक्त मिलकर पीटा और बाद में उप सरपंच अमरा सिंह और उसके दोनों पुत्रों ने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए आसिफ खान पर लठ और चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। आपको बता दें कि जिसमें आसिफ खान बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। आसिफ पर हमले की खबर जब उनके परिजनों को लगी तो वे अपने होशो हवास खो गए थे और दौड़ते हुए घटनास्थल पर पहुंचे, मगर जब आसिफ के परिजनों ने प्रशासन की मदद के लिए बीकन गांव पुलिस चौकी जाना चाहा तो सरपंच और उसके पुत्रों द्वारा फरियादी आसिफ के घर वालों को धमकाया गया और आगे इससे बुरा अंजाम करने की बात कही गई। फिर भी किसी तरह आसिफ के परिजनों ने बीकन गांव चौकी पर जाकर मुजरिमों के नाम की रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसके बाद आसिफ को बीकन गांव पुलिस प्रशासन द्वारा खरगोन सिविल हॉस्पिटल रेफर किया गया, जहां आसिफ का बेहोशी हालत में उपचार चल रहा है। जिला अल्पसंख्यक कांग्रेस अध्यक्ष अब्दुल सरदार ने कहा है, देखने में आया है कि आसिफ के पैर में फ्रैक्चर एवं गंभीर चोटें भी आई है। एमएलसी अनुसार संबंधित आरोपियों पर धाराएं बढ़ाई जाए, साथ ही आरोपी उप सरपंच पद पर रहते हुए क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है उसकी निष्पक्ष जांच करवाकर कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। अल्पसंख्यक सोशल मीडिया इंचार्ज शाहरुख मिर्जा का कहना है कि आरोपियों की अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, उन्हें जल्द गिरफ्तार कर कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए। वहीं खेरदा से आसिफ के साथी जितेंद्र भील पिता सेवकराम भील एसपी कार्यालय साथ पहुंचे। उन्होंने कहा कि आरोपियों द्वारा मुझे और मेरी माताजी को जान से मारने की धमकी दी गई है, भविष्य में मेरे या मेरे परिवार के साथ कोई घटना घटती है तो उसका जिम्मेदार जिला प्रशासन रहेगा। आरोपियों की गिरफ्तारी न होना उनके हौसले को बढ़ा रहा है, जल्द गिरफ्तारी कर उचित कार्यवाही की जानी चाहिए। उपस्थित राम शिव साठे, कादर बेग, सुल्तान भुट्टो, शाहिद खान, सोहेल मिर्जा, वाहिद खान आदि मौजूद रहे। खरगोन से हबीब आजाद की रिपोर्ट। इसी के साथ लेते हैं छोटा सा ब्रेक, बाकी सारी अपडेट्स के लिए बने रहिए दस्तक लाइव के साथ। हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय जनजन के लाडले विधायक श्री मनोज जी चौधरी को उनके जन्मदिन पर विधायक प्रतिनिधि राजेंद्र सिंह कवड़िया व मित्र मंडल की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं एवं हार्दिक बधाई। बधाईकर्ता रघुनाथ सिंह सैंदव चिल्खी, जसमंत सिंह सैंदव केलोद, राम सिंह सैंदव दादू पितावली, कैलाश जाट मनासा, मुकेश यादव बालाजी बोरवेल, मोर सिंह दरबार, राजेंद्र चावड़ा डिगोज, गजराज सिंह सरपंच बामनी, तेज सिंह सेंदव ग्यारसपुरा, प्रदीप पटेल कवड़िया, अभिमन्यु सिंह कवड़ी, कमल मुकाती, मोहन पटेल डिगोज, सौजन्य से राजेंद्र सिंह सेंदव कवड़िया विधायक प्रतिनिधि। मैं राजेंद्र सिंह सेंदव विधायक प्रतिनिधि हाट पिपलिया, मैं भैया के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ और उनको जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामना देता हूँ। माँ जगदम्बा का आशीर्वाद उनके बना रहे, जय माता दी। हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय जनजन के लाडले विधायक श्री मनोज जी चौधरी को उनके जन्मदिन पर विधायक प्रतिनिधि मुकेश यादव बालाजी बोरवेल व मित्र मंडल की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं एवं हार्दिक बधाई। बधाईकर्ता राजेंद्र सिंह कवड़िया, जसमत सिंह सैंदव केलोद, राम सिंह सेंदव दादू पितावली, कैलाश जाट मनासा, मोर सिंह दरबार, सौजन्य से मुकेश यादव बालाजी बोरवेल विधायक प्रतिनिधि। बालाजी बोरवेल विधायक प्रतिनिधि, मैं लोकप्रिय हमारे विधायक मनोज जी चौधरी को जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामना बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं और मेरे पूरे परिवार की तरफ से मैं भगवान बालाजी से प्रार्थना करता हूँ कि उनको सी हुई उन्नति की ओर और ले जाए, राजनीति में ऊपर ले जाए उनको। बस यही मैं भगवान बालाजी से प्रार्थना करता हूँ। मनोज जी चौधरी को जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामना, बहुत बहुत बधाई दिल से, जय बालाजी।